मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे नहीं जाते। क्या करोगी आप प्रज्ञा जी? मैं अभी दिखाती हूँ, हम भी तैयार हैं। हनी बेबी, देखो ना, तुम्हें समझाने का मुझे तुम आखिरी मौका भी नहीं दोगी। प्लीज। फाइन, या वन लास्ट। थैंक यू। लेकिन समझाओ कि तुम समझाएगी वो जीनी, क्योंकि मैं भी समझना चाहती हूँ कि आखिर वो मुझे क्या समझाना चाहती है। बेबी, व्हाट इज दिस यार? आजकल मैं ये एयरक्राफ्ट कम ऐसी बातें ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। अरे बाप रे, आई होप वो जॉनी का बच्चा केबिन से चला गया होगा। बेबी, अरे वाह रज्जो जी, आपकी और मेरी पावर तो एकदम सेम है। मैं फिर भी लड़ूंगी। औरत तब भी जीत नहीं पाओगी। वो देख लेंगे जॉनी के बच्चे, देख लेना। प्रिया, क्या हो गया? प्रिया संभालो अपने आपको। प्रिया बैठो, बेबी बैठो, बेबी। सुमन जी, प्रिया, सुमन जी, तो प्रिया से दूर रहो। तुम्हारी वजह से प्रिया का ये हाल हुआ है। इनफ। हाँ जॉनी, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। चले जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जाते हम जीनी जी, जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुमन जी की वजह से। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, सब कुछ। और सुमन जी से तो मैंने प्यार किया, अब आप दोनों से हम जंग भी कर लेंगे। हाँ चलते अब। प्रिया, जीनी तुम घर जाओ। छूछू, लेकिन प्रिया का मैं ख्याल रखूंगा, तुम घर जाओ। जा। प्रिया, 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 फॉर गॉड्स सेक होश में आ जाओ। प्रिया, प्रिया आंखें खोलो। प्रिया, 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 क्या हो गया तुम्हें? प्रिया, सकीम, सकीम जीनी, अभी अभी तो दोनों थी और अब एक भी नहीं। मैंने सच में दो दो जीनी देखी थी। बेबी यहाँ पे एक भी जीनी नहीं है, ट्रस्ट मी। विकी, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो रही? क्या हो गया तुम्हें? तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। स्वीटी भाई की तबीयत कैसी है? वो मान गई? शायद हाँ, शायद ना। बहुत मुश्किल हुई होगी ना स्वीटी भाई को मनाने में। पर इस बार वो किसी भी तरह मान गई जीनी, लेकिन शक का कीड़ा अभी भी उसके दिमाग में है। मैं तुमसे कह रहा हूँ जीनी, कुछ ना कुछ कर। नहीं, मुझे दिखा सकते हो? अच्छा हाँ। जीनी कुछ करना होगा, समझी? शक का कीड़ा निकालने के लिए ना। वो कीड़ा? अरे उस जॉनी को यहाँ से निकालने के लिए, वरना सुनामी तो आके रहेगी जी। नहीं हाँ, आपकी बात तो एकदम सही है। ओ दादी माँ, मशवरा नहीं चाहिए तुमसे? तुम क्या सुनामी के आने का वेट कर रही हो, फिर चप्पू चलाओगी? अरे कुछ करो, टू एम आउट। जूजू, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जॉनी के बच्चे का पैकअप कैसे करूं। मैं कुछ नहीं जानता जीनी, उसको निकालो यहाँ से, हम सब परेशान हो गए यार उससे। व्हाट इज दिस? अच्छा लेट मी थिंक। ऐसे क्या सोचती है यार, समझ नहीं आ रहा।
दादा नहीं, बहुत अच्छा लगा। चुचू नहीं, मेरा वक्त खराब है, मेरे नजदीक मत आओ। चुचू सॉरी। नहीं मैं कह रहा हूँ प्लीज। अरे नहीं मैं कह रहा हूँ, मार डालोगी मेरे को। सॉरी, मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ हमेशा उल्टा ही हो जाता है। अगर ये जीनी जॉनी को रोक नहीं पाए ना, तो विक्की खन्ना तेरा बैंड ही नहीं ऑर्केस्ट्रा बज जाएगा। दिना दिन था तुम जिनलैंड वाले अपने आप को समझते क्या हो? अरे मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? तुम्हारे यहाँ के जीनी नहीं बल्कि अखबार भी मेरी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। सॉरी सॉरी यार, पढ़ता हूं। हंसो खूब हंसो, तुम भी हंसो। अरे तुम जिनलैंड वालों को हंसने के अलावा और आता भी क्या है? अपने जिनलैंड से और जिनों को यहाँ भेज दो और हम इंसानों को रुलाओ। हंसो और हंसो। जिन? कौन जिन? कौन जिन? अरे वो तुम्हारे जिनलैंड से नया जिन आया ना, दबंग जिन, वही। ऐसा ही कुछ जिन हमारे जिनलैंड से भी गायब है। उनके फोटो देखो और पहचानो, क्या इनमें से किसी को तुमने देखा है? अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी वांटेड होते? चेहरा बताओ। ये? नो। नो। यही है वो मेरे खुशियों का लुटेरा जिसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अरेस्ट हिम। तो ये है 11 जिन मुल्कों की पुलिस इसे ढूंढ रही है। तुम्हें ही इसे पकड़वाना होगा, लेकिन ध्यान से, ये बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट है। इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। What is this? अरे इसके हिप्नोटिज्म को बेअसर कर देगा कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? सिर्फ एक तरीका है। हा? बहुत ध्यान से सुनना, कान से नहीं ध्यान से। अच्छा जॉनी जॉनी, नो पापा, थैंक यू ब्रदर, ओवर एंड आउट। चूचू, अब जीनी लैंड का न्यूज़पेपर पढ़ने लगे? जीनी, हमें रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता? अरे तुम्हारे उस जॉनी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का रास्ता। यस! सुनो, रास्ता मिल गया है, गले लगने का लाइसेंस नहीं मिला है। अब गौर से सुनो क्या करना है। कमाल है, आज ऑफिस में सबकी आंखों में हरियाली क्यों छाई है? एक्सक्यूज मी। हेलो जॉनी। हाँ हेलो, ये मैं हम कमाल करते हो पांडे जी, यही कहोगे ना? हाँ हाँ, कमाल करते हो वेला जी, ये भी कहोगे ना? हाँ हाँ। और ये क्या, आज ऑफिस में सब लोगों ने हरे रंग का चश्मा क्यों पहन रखा है, यही पूछोगे ना? हाँ ये जॉनी के हिप्नोटिज्म से बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है हरे रंग के चश्मे। अगर कोई हरे रंग का चश्मा पहनकर आएगा तो जॉनी का जादू उस पे असर नहीं करेगा। हेलो क्या है ये? बताइए, मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ पांडे जी, बताइए ना चश्मों के पीछे राज क्या है? क्या है ना जॉनी जी, आप हमसे पूछते रहिए लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा
अब हम अपने ऑफिस में हरे रंग का चश्मा भी नहीं पहन सकते। उसके लिए तो क्या जनरल मैनेजर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आज आप। अच्छा चलो इनसे प्यार भरी बातें करते। वेला, रिकी, बॉस ने जॉनी को केबिन में बुलाया है फौरन। तुरंत। यस। स्पीक बॉस। चले। सर, जॉनी इज हियर। आइए आइए। प्लीज कम। सर आपने हमें बुलाया? हाँ, मैं अभी अभी तुम्हारी फाइल देख रहा था और इस फाइल के हिसाब से तुमने हमारी कंपनी के लिए कभी कुछ काम ही नहीं किया, बल्कि तुमने ऐसी ऐसी डील साइन की है जिसमें हमारी कंपनी को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ। फायर? सॉरी सर, शायद ये फायर का मतलब ना समझे। आग नहीं लगी है कहीं। तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है। कमाल करते सर आप, कमाल करते। सर आप हमें नौकरी से नहीं निकाल सकते। इंटी पिंटी हिप्नो टिंटी, ये सब क्या बकवास है? ये कोई नर्सरी राइम है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तेरा जादू, नहीं चलेगा। हेलो, ये भी कोई नर्सरी राइम है? सॉरी सॉरी सर। तो सर हम कह रहे थे कि सर ये तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस गधे ने तुम्हें इस पोजीशन पर रख दिया। सर आपने सर व्हाट? तुम सर को गधा बोल रहे हो? ओए ओके। क्या मैं और गधा ये बोल रहा हूँ? ये लीव, प्लीज लीव। आइए मैं गेट का रास्ता दिखाता हूँ आपको। रही? हाँ। अच्छा बाय द वे विकी, सर तुम्हें किसने बताया कि शहर में कंजक्टिवाइटिस की बीमारी फैली हुई है और तुमने बेवकूफों की तरह सबको ये हरे हरे ग्लासेस दे दिए? मैं तो एक्चुअली इसे सर फॉर गॉड से इसे मत उतारिएगा। अरे मगर ये बड़ा अनकंफर्टेबल। सर 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 सोचिए सर, आपने चश्मा उतार दिया सर और आपको भी ये कंजक्टिवाइटिस हो गया सर, तो आप कैसे दिखोगे सर? सर एकदम हॉरर मेंढक की तरह। शट अप बेला। ठीक है मैं ये चश्मे नहीं उतारता। ओह मिस्टर जॉनी, आप अभी भी यहाँ रुके हुए? वेला प्लीज इन्हें रास्ता दिखाओ बाहर का। चलो भाई चलो, निकल लियो। आ जाओ। हमें यहाँ क्यों लाए हो? ये बताएंगे। जॉनी तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, जिन लैंड में तुम्हें इसलिए निकाला था क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी थी और अब यहाँ से भी जाने का टाइम आ गया है। So, bye. अब बात ये है रज्जो जी कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। सुनो, bye. जाना तो पड़ेगा जॉनी जी। अच्छा कमाल करते पांडे जी, कमाल करते आप। योगे पांडे जी ने तो अपना कमाल दिखाया नहीं। ये देखिए जिनीलैंड से आपके लिए वारंट आया है जॉनी जी। जिनीलैंड से आपके लिए वारंट आया है जॉनी जी। क्यों अब नहीं कहोगे? कमाल करते हो पांडे जी। ये मिला कहां से आपको? इतिहास नहीं पूछते बालक, भूगोल पे ध्यान दो बच्चे। और भूगोल ये कह रहा है कि तुम्हें जिनीलैंड वापस जाना है। क्यों पार्टनर, सही कहा मैंने? तो बोल दिया तो संभाल लेंगे पार्टनर। हेलो, हम कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो जाना पड़ेगा। वहां देखिए, इसको कैद करने का एक ही तरीका है, कोई जुड़वा। ये जादुई मंत्र एक साथ एक सुर में उसके दोनों कानों में गाएगा तो जॉनी पकड़ में आ जाएगा। हो गया, वापस आ जाओ। अच्छा है पांडे जी, बहुत अच्छा है। लेकिन पांडे जी आप एक बात भूल रहे हैं, हम बताते हैं क्या। वो बात ये है कि ये मंत्र हम पर सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब कोई जुड़वा एक साथ ये मंत्र हमारे सामने बोलेंगे। और हमारे ख्याल से यहाँ पे तो कोई जुड़वा नहीं है।
तो कैसे? जॉनी, तुम्हें क्या लगता है हमने तुमसे कुछ नहीं सीखा है? जिन लैंड में जुड़वा बन के तुमने लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें पैदा की है, तो आज मैं जुड़वा बन के तुम्हारी खाट खड़ी करूंगी। जुड़वा? नहीं 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 रजू जी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। घंटी। ये लो पार्सल तो करो मैडम। खत्म हो गया जॉनी का खेल, अब वो जाएगा जिनलैंड के जेल। भिखारी बन जाता, भिखारी मुझे नहीं चाहिए कोई जिन बिन। जीनी, जीनी के बारे में सोचा जा सकता है? कोई दूसरी जीनी है क्या? है ना, जॉनी की एक चचेरी बहन है, उसका नाम है जूली, उसे भेजो। उसके खानदान का मुझे कोई नहीं चाहिए, प्लीज। तुम्हारी कोई चचेरी हो तो बताओ। अच्छा। जूजू? जॉनी चला गया, अब आप इतने दुखी क्यों हो? अरे जीनी, जॉनी तो चला गया लेकिन अपने साइड इफेक्ट्स छोड़ गया। साइड इफेक्ट्स मतलब? प्रिया, प्रिया को कैसे समझाऊं? तो जॉनी ने प्रिया के दिलो दिमाग में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है, पता नहीं मेरा क्या होगा। जॉनी ने प्रिया के दिलो दिमाग में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है, पता नहीं मेरा क्या होगा। तुसी फिकर मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। क्या करोगी तुम? आपकी लाइफ में जॉनी नाम की मुसीबत मैं लाई हूँ, और उस मुसीबत ने जितनी भी मुसीबतें आपकी लाइफ में खड़ी की है उसे मैं दूर करूंगी। बिना चाबी के चालू हो जाता है, मदारी का खेल चल रहा है इधर। एक मिनट एक मिनट, क्या चढ़ा तुम्हारे दिमाग में? जूजू, देखो आपको एक बात तो पता है ना, आप दुनिया के सबसे बेस्ट जूजू हो, और सबसे बेस्ट जूजू की सबसे बेस्ट जीनी हूँ मैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे दिमाग में कुछ मजेदारी चल रहा होगा। हाँ, बाय बाय बाय। जी चले गए, चले गए। अरे ये भगवान, ये कहाँ गई? मुझे क्या पता यार। तेरा नाम भगवान है? नहीं तो? तो जवाब क्यों दे रहा है? भगवान जाने यार, मुंह से निकल गया। ओ शराब वेला, और यहाँ खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? चल। वो तो मैं कह रहा हूँ खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, चल ना। देखो तो खड़ा है, चल। मैंने बोला या इसने बोला? अरे क्या खड़ा क्या, चल ना। अरे ये तो बुद्धू नहीं है। क्या यार, what is this? जीनी ने तो उसको जिनलैंड भेज दिया था। लेकिन ये तो वापस आ गया, कैसे? मैं तो वही सोच रहा हूँ, ये कैसे वापस आ गया? जॉनी, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.